ये क्लिप से लगाऊंगा अपने ब्लॉग का ना इंट्रो, जो अगला ब्लॉग बना है उसमें दिखाऊंगा आपको जब आप मुझसे मिलने आए। मैं पहले यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं पहनता था, लेकिन एक दिन मैं सुबह दो दिन पहले जो है लेकिन परसों यूनिफॉर्म मैं बिल्कुल भी नहीं पहनता था। मैं वीडियो बनाने लगता हूँ कोई भी इधर से कोई फ्यूल डलवाने के लिए आ जाता है, वीडियो ख़राब। अच्छा तो मैं बता रहा था कि मैं पहले यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं पहनता था। जो पेट्रोल पंप वाले हैं उन्होंने जो है ना न्यू यूनिफॉर्म्स मंगवाई हैं, वो बोलते हैं कि पहले आप पहनते ही थे, चलो मोटी यूनिफॉर्म थी, तो अब जो है ना ये हमने गर्मियों के हिसाब से मंगवाई है, तो अब आपको ये पहननी पड़ेगी ज़बरदस्ती। अब मैंने जॉब करनी थी तो फिर मैं मना नहीं कर सकता था, वरना उन्होंने कहना था कि आप घर जाओ या कुछ और भी बात कर सकते थे। तो अब उनका जब तक उनके अंडर काम कर रहा हूँ तो उनकी बात माननी पड़ेगी, तो उन्होंने सबको पहनाया तो फिर मुझे भी पहननी पड़ी। लेकिन ये ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छी बनी हुई है, तो इसलिए मैंने पहन ली। आपने बोतल पीनी है? अगर आपने बोतल पीनी है तो मुझे 30 रुपये दे दें, वरना फिर हम लेके आएंगे आपके सामने पियेंगे। जो हमारे पास पहले एक दिन मैंने दिखाया था ना, वो दाढ़ी वाले अमानुल्लाह जिनका नाम था, वो करते हैं 24 घंटे की मतलब ड्यूटी इधर देते हैं, रात को थोड़ी देर सोने का टाइम भी उनको मिलता है। तो उनकी जगह फिर नेक्स्ट डे ये आते हैं काम करने के लिए, ये भी लेजेंड है। ये हाथ किसी को लगाते नहीं, लेकिन मैंने इनसे कल झप्पी डाल के ना इनकी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है। इनको पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं या खुद इनको मतलब कुछ ऐसा फील होता है, ये किसी को हाथ लगा के सलाम नहीं करते और जो है ना किसी से हक करके मिलते भी नहीं। मैं हक करके मिल लूँ अब आपको, मिलें एक दफ़ा मिल लें, वीडियो में मिल लें यार, कितने ज़्यादा लोग देखेंगे। कल मैं ब्लॉग शुरू कर रहा था, मैंने जब ट्राईपॉड उठाया तो ट्राईपॉड का ये जो मोबाइल होल्डर का वो क्लिप होता है वो ही टूट गया, तो मैंने वो नया परचेज़ करना था, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान और बारिश आ गई और वो भी नहीं मैं जाके ख़रीद सका। तो मैं आज जाऊँगा शॉप पे किसी पे और जाके पता करूँगा अगर यहाँ से मिलता है तो। मेरा जो शहर है ना यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं होती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना क्लिप्स वगैरह नहीं मिलते हैं। यार मुझसे मिल ले एक दफ़ा। अच्छा मैं बोतल लेके आ रहा हूँ, आज फिर से जो है ना सब ने 20-20, 30-30 रुपये मिलाए हैं, और अब मैं ख़रीदने जा रहा हूँ बोतल। बोतल मिलेगी यहीं पर पेट्रोल पम्प के ऊपर ही टक शॉप से। पता नहीं इसका माइक्रोफोन चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास रेड अनार पड़ी है, कितने की है? 1 लीटर 100 की, और आइसक्रीम सोडा भी पड़ी है। अब ये मशवरा दें कि रेड अनार भी है कि आइसक्रीम सोडा? रेड अनार भी है, चले वो न्यू फ्लेवर आया था हम वो चेक कर लें। देख लो 100 पूरा कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है? ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था इनको, और आज इनके पास फिर आ गए हम। इनसे तो बल्कि हम रोज़ ही मिलते हैं, आप लोगों को कभी कभी मिलते हैं। आइसक्रीम पड़ी है चेल नहीं, आप रेड अनार ओके रेड अनार आप भी बहुत प्यारे रहे। ये रेड अनार हर चीज़ की मैं फ्री में प्रमोशन करता फिरता रहा। सो स्वीट ऑफ यू यार। एक टीचर आया भी मेरे पास जो है ना, उनको किसी शायद उनके स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस वगैरह दिखाई थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप जो है ना वीडियोस बनाते हो ना वही चैनल वाले। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। तो कहते आप एक गलती करते हो कि आप ना रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड करते। तो मैंने उनसे कहा कि चलो इस गलती को ख़त्म करते हैं, इस गलती को ठीक करते हैं, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा और वीडियोज़ रेगुलर अपलोड किया करूँगा। तो ये पेट्रोल डलवाने कोई ना कोई फिर से आ गया। ये बोतल इधर रख रहे हैं और फ्यूल डाल दे रहे हैं। कितने का आपका पेट्रोल? कितने का? 100 रुपये। अब ये गलती दोबारा नहीं करनी, जैसा मर्जी बस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्या कर रहे हैं? मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसका बोतल में हिस्सा ही नहीं है, ये नहीं पीता। इतनी अच्छी इतनी प्यारी खूबसूरत सी बोतल लाया हूँ मैं, और ये तीन बंदे कच्चे के हैं ना, कच्चे के हैं ये, कच्चे वाले बोतल नहीं पीते होते, ये कच्चे वाले सिर्फ काले रंग की बोतल पसंद करते हैं, कच्चे वाले। यार मुझे टाइम दे दिया करो भाई वीडियो बनाने का, इतना ज़्यादा तंग ना किया करो। जब भी कोई आता है फ्यूल डलवाने आप मेरी साइड पर भेज देते, मुझे उठना पड़ता है ब्लॉग छोड़ के। 2 मिनट अगर दे दोगे तो कुछ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नाराज़ तो नहीं हो? मैंने आपको साइड पे बुला लिया, मैं ज़रा बिज़ी हूँ यार वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, ये देते ही नहीं टाइम मुझे। इसको हाथ नहीं लगाना, पैसे नहीं दिए आपने, पैसे हम भरें और बोतल ये पिएं, इतने अमीर भी नहीं हुए अभी हम। एक दिन आएगा मैं इधर ही अपनी गाड़ी लेके आऊँगा, आपको बोलूँगा टैंकी फुल कर दो, फिर आप लोग कहोगे अरे सर हसन भाई आप यहाँ पर कैसे आ गए। ये तो मज़े की है, पहले वाली से भी ज़्यादा मज़े की है। हमने पीनी है ये डालें, नशा तो इस बोतल में है।
बस खाओ और पियो बस। ये पागल नहीं पीते, पढ़े लिखे पीते, अमीर कच्चे वगैरह नहीं पीते। बोतल लेके चला गया और कहता बाय बाय। तेरी नजरों ने दिल का बोतल पीनी हो 50-50। ये कच्चे के लड़के, इनको बोतल मजे की बोतलें, इनको टाफियां लगती हैं। फिर आगे से कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे, 20 रुपए फिर होते हैं। ये 2% के लोग। अच्छा मुझे मेरे पास आया बंदा, मुझे कहता कि तुझे आईफोन चाहिए तो मैं आईफोन लेके देता हूँ। कोई बात नहीं, कहता आईफोन चाहिए आईफोन लेके देता हूँ, पीसी चाहिए पीसी लेके देता हूँ, 2-3 महीने की एडवांस तनख्वाह चाहिए एडवांस तनख्वाह देता हूँ, गंदम की बोरी घर चाहिए ज़रूरत में गंदम की बोरी तुझे दे देता हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ती रहेगी मेरे से लेता रहिए। कहता लेकिन जब तेरे यूट्यूब से पैसे बनने शुरू होंगे आधे तू रखेगा आधे मैं रखूँगा, पार्टनरशिप पर काम कर। मैंने कहा भाई जान सलाम अलैकुम, मेहनत करके थक हार के मैं 13 घंटे उधर पंप पे खड़ा होकर काम करता हूँ, मेरी जिंदगी सारी जिंदगी इस तरह की नहीं रही जिस तरह अभी हुई है। मैं अभी मेरे पैरों में दर्द है, मैं खड़ा हूँ इधर आके, अभी ड्यूटी देख ही आ रहा हूँ, और मैं उसको फिर आधा हिस्सा भी दूँ साथ अपनी ज़िंदगी की कमाई भी उसके साथ शुरू कर दूँगी, खाली आईफोन के बदले या तनख्वाह के बदले। कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा, 1-2 महीने और मुश्किल करनी पड़ जाएगी। आ रहा है नज़र, थोड़ा थोड़ा वाइट है ना, तो मेरा काफ़ी मतलब डल हो गया कलर, और हेड पहनता हूँ तो हेड से ऊपर से मतलब ज़्यादा वाइट स्किन हुई हुई है, और यहाँ से थोड़ा सांवला सांवला रंग हो गया है, लेकिन खैर है, रंगने कौन सा पैसे देने। नाल उंगली इशारे चन तोड़िया, गया सूरज अगां वल पीछा मोड़िया, कलमा सोहणे मुहम्मद दा पढ़िया बूतां, जिने आके गरीबां दी बां पढ़ लई, कमली वाले मुहम्मद तो सदके मैं जां, जिने आके गरीबां दी बां पढ़ लई। ओके आई एम रेडी गाइस। मुझे याद आया मैंने ना बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कच्चा आम खाने का, मेरा छोटा भाई है उसने मेरे लिए ला के रखा हुआ, जब मैं जॉब से आया ना उसने मुझे दिया, तो मैं वो काट के भी खाने वाला हूँ। ऐसा लग रहा हूँ, प्यारा लग रहा हूँ ना। मैं तो कोई कंगा कर रहा था, आम काट रहा हूँ अभी, 4-5 दिन से मैं वो कर रहा था कोशिश कि अम्बी खा लूँ किसी तरह। 2 महीने रुकी खानी है, खानी है, एक बाइट दूँ, एक महीना नमक ला के देता हूँ। ये नमक लगाया हाँ, और अब मैं मोबाइल गर्म हो जाता है, फ्लैश लाइट ऑफ हो जाता है। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, शाम को जब मैं मतलब जॉब पे था ना, असर के बाद कर जोहर के बाद की बात है, तो मैंने ना अपना ये जो स्टैंड वगैरह जो रखा हुआ है, मैंने ट्राईपॉड और ये माइक वगैरह निकाल कर सेट किया सारा कुछ, और ये सोच कर सेट किया कि मैं ना व्लॉग बनाऊंगा। 5 मिनट की शायद मैंने रिकॉर्डिंग की होगी, 5 या 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के बाद ऐसा हुआ कि मैं ऐसे मोबाइल उठाता था, पीछे से कोई बाइक वाला आ जाता था फ्यूल डलवाने के लिए, मैं जल्दी जल्दी मोबाइल रख के, ताकि जिनके पास काम कर रहा हूँ वो देख कर मुझे ना कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें कि आप काम करने आए हो कि वीडियो बनाने आए हो, तो ऐसे होता है ना यार, जाहिर सी बात है मैं उनके पास जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से मोबाइल रख के फ्यूल डाल के वापस जब उनको जब वो चला जाए तो मैं मोबाइल दोबारा उठाऊँ व्लॉग बनाने के लिए, और पीछे से फिर कोई आ जाए। सारा दिन ऐसे होता रहा है मेरे साथ, और ये रूटीन जो है ना पिछले 3-4 दिन से चल रही है, मैं इसलिए ज़्यादा वीडियोस बना ही नहीं रहा ना, टिकटॉक पे अपलोड की मैंने 2-3 दिन से वीडियो, वो जब वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो गई ना उससे, मैं डिप्रेशन में जाने लग गया, मैं ना सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैंने जो है ना अपना फ़ोन ये सारा कुछ उतार कर रख दिया वापस वहाँ पर दराज के अंदर, और मैं ना खामोश होकर जॉब करता रहा सारा दिन। मैंने ना मतलब कोई फ्यूल डलवाने आ रहा था ना, तो मैं उसको पूछता भी नहीं था कि कितने का डालना है, वो सामने वाला सब बोलते ही हैं आके, मैं चुप करके खड़ा रहता था उसकी तरफ देखता रहता था, जब वो बोलता था कि 150 का डाल दो 200 का डाल दो, मैं उसकी बात सुन के फ्यूल डाल के उससे बकाया ले दे के फिर खामोश होकर खड़ा हो जाता था। मैंने सारा दिन उसके बाद जो है ना जॉब पे ऐसे ही गुजारा। फिर मैं गया असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, अब मैं थोड़ा लेट गया था, मस्जिद खाली हो गई, मैं दुआ मांगते हुए ना मेरी आँखों से आंसू आना शुरू हो गए। अब मैं जो है ना वैसे तो अपने आप को रोते हुए रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता ना, मुझे सिंपथी लेने की ज़रूरत है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आप सब इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो कि मैं रोते हुए क्लिप्स दिखाना शुरू कर दूं कि मैं रो रहा हूँ और लोग मुझे प्यार देना शुरू कर दें और व्यूज़ देना शुरू कर दें, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल तरीके से मतलब अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकालता हूँ वीडियोज़ का, जो मैं फ़ील खुद करता हूँ आप सबको पता लग ही नहीं सकता। अभी इस टाइम मैं अभी नहा के आया हूँ,
नहा के मैं इसलिए आया था कि मेरी थकावट थोड़ी उतर जाए और मैं वीडियो बनाने के काबिल हो जाऊँ। अभी मैंने वॉइस ओवर भी करना है बैठ के, तो मेरे पाँव के नीचे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सारे दिन की थकावट अभी भी मुझे है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से कि कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ और लेट ना कर दूँ मैं बहुत ज़्यादा। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और ना कुछ मांगे सरकार का दीवाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। मेरे बाल जैसे जैसे आ रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा हैंडसम होता जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ ज़रूर करते रहना जब तक मेरी लाइफ चेंज होती हुई आपको नज़र ना आए। अल्लाह मुझे भी कामयाब करे, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे इस दुनिया में भी और आखरत में भी इंशाल्लाह। मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और ना अपलोड करूँ तो मुझे ना कमेंट्स में बार बार लिख लिख के और इंस्टा पे मैसेज कर करके तंग करते रहना ताकि मैं न्यू वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाऊँ।